ओम शांति। आज साकार महावाक्य 5/8/2024 मधुर संतान माने तुम मानंक भितरे महान आत्मा सेही माने अटंती जे माने सारा विश्वर सेवा करूथिबे बहुतंकु नीच समान करूथिबे आराम पसंद होइन थिबो। प्रश्न, तुम्हें ब्राह्मण पिला माने केउं कथा केबे भी कहि पारिबो नाही? उत्तर, तुमे ब्राह्मण माने एभरी केबे भी कहि पारिबो नाही जे आमर ब्रह्मांक सहित कोनोसी संपर्क नाही। आमे तो सीधा सळख शिव बाबांको मने पकाउछु, कारण ब्रह्मा बाबांक बिना तुमे माने निजको ब्राह्मण करि पारिबो नाही। जे मानंकर ब्रह्मांक सहित संपर्क नाही, अर्थात जे माने ब्रह्मा मुख वंशावली नुहंती, से माने शूद्र अटंती। शूद्र केबे हेले देवता होई पारिबे नाही। ओम शांति। आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा बसी एही दादांक द्वारा बुझाउछन्ति पिला माने म्यूजियम अथवा प्रदर्शनीर उद्घाटन कराउछन्ति, किंतु उद्घाटन त अविनाशी पिता केबे ठारु करि सारिछन्ति। एबे एहार शाखा अथवा कार्यालय स्थापित हेउछि। पाठशाला त बहुत हेबा दरकार ना? एहा त गोटिए पाठशाला अटे जेउठारे बाबा रहउछन्ति। एहार नाम रखिछन्ति मधुवन। पिला माने जानिछन्ति मधुवन ने सर्वदा मुरली बाजी थाए। कहार? भगवान कर। तेबे भगवान त हेउछन्ति निराकार, किंतु मुरली एही साकार रथंक द्वारा ही सुनाउछन्ति। तांकर नाम भाग्यशाली रथ रखिछन्ति। एकथा त केही भी बुझी पारिबे, एहांकर शरीर रे बाबा प्रवेश करुछन्ति। एकथा त तुमे माने ही बुझुछ, आउ केही भी ना रचयिताको ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिछन्ति। केवल गवर्नर आदि बड़ लोक होइथिबारु तांक द्वारा उद्घाटन कराउछन्ति। एकथा मध्य बाबा सर्वदा लेखुछन्ति जे बाबांक द्वारा उद्घाटन कराउछ, तांको प्रथमे बाबांकर परिचय देबा उचित जे बाबा किपरि नुआ दुनियार स्थापना करुछन्ति, तेणु तांकर ही कार्यालय स्थापित होछि। कहा ना कहा द्वारा स्थापना करुछन्ति, एपरी बुझाइबा द्वारा से आत्मार कल्याण होइजिव। किछि हेले त बुझिबे जे वास्तवरे बाबा ही आसिछन्ति। विश्वरे शांतिर राज्य अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना ब्रह्मांक द्वारा करा हेउछि। एहार उद्घाटन त होइ सारिछि, एबे ही कार्यालय स्थापित हेउछि। जेपरि ब्यांकर कार्यालय खोली थाए, बाबांकु ही आसि ज्ञान देबाकु हेब। एही ज्ञान परमपिता परमात्माक पाखरे थाए, सेतिपई तांकु ही ज्ञानर सागर कहा जाउछि। रूहानी बाबांक पाखरे एही रूहानी ज्ञान अछि, जे के आसि आत्मा मानंकु एही ज्ञान देउछन्ति, बुझाउछन्ति। हे पिला माने, हे आत्मा माने, तुमे निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा नाम त साधारण अटे, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाय थाए ना। तेणु आत्मा को परमपिता परमात्मा बा बाबा ही बुझाउछन्ति। बाबा काहेकि आसिबे? निश्चित भावरे पिलामानंकु संपत्ति देबा पई, पुणि आमकु सतप्रधान नुआ दुनिया को आसिबाकु हेब। एहाकु विश्व इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति बोली कहा जाउछि। मनुष्य मानंकर ही नुआ अथवा पुरुणा दुनिया होइथाए। बाबा कहउछन्ति मु नुआ दुनिया रचना करिबा पई आसिछि। मनुष्य मानंक बिना तो दुनिया रा अवस्थिति संभव नुहे। नुआ दुनिया रे देवी देवता मानंकर राज्य थिला, जहार एबे पुनर्पार स्थापना हेउछि। एबे तुमे माने शूद्र रु ब्राह्मण होइछ, मु पुणि तुमको ब्राह्मण रु देवता करिबा पई आसिछि। तुमे समस्तंको एही कथा सुनाय पारिबो जे बाबा एही भली बुझाउछन्ति, तुमे माने नुआ दुनिया को किपरि जाई पारिबो। एबे तो तुम्हारा आत्मा पतित बिकारी हो जाएछि, आत्मा को एबे निर्विकारी हेबा को पड़िबो। जन्म जन्मांतरर पाप रूपछ मुंड उपरे रहिछि। पाप केबे ठारु आरंभ हेउछि? बाबा ते केते वर्ष पई तुमको पुण्य आत्मा करुछन्ति। एकथा मध्य तुमे एबे ही जानुछ, एकोइस जन्म तुमे पुण्य आत्मा होइ रहुछ, पुणि पापात्मा होइ जाउछ। जेउठारे पाप होइथाय सेठारे दुःख ही हेब। पाप कण ताहा मध्य बाबा बुझाउछन्ति। प्रथमतः तुमे धर्मर ग्लानी करुछ, तुमे केते पतित होइ जाइछ। अधाकल्प होइबा मते तुमे माने डाकी डाके आसुछ, हे पतित पावन आस, तेणु एबे मु आसिछि।
पवित्र करुथिबा बाबांको तुमे गाली दे ग्लानी करिछ सेथिपई तुमे पाप आत्मा होई जाइछ। एकथा मते कहउछन्ती हे प्रभु मु जन्म जन्मांतरर पापी अटे तुमे आसी पवित्र कर। तेनु बापा बुझाउछन्ती जे सबुठारु अधिक जन्म नेइछन्ती तांकर ही बहुत जन्मर अंतिम समय रे मु प्रवेश करुछि। बाबा केते जन्म को बहुत जन्म बोली कहउछन्ती 84 जन्म को जे प्रथमे आसीछन्ती से ही 84 जन्म नेइछन्ती। प्रथमे त ए लक्ष्मी नारायण आसुछन्ती केबे कोनो के राम सीता हेबार कहानी सुनाइछन्ती कि कहार ग्लानी करुछन्ती। बाबा नररु नारायण एवं नारीरु लक्ष्मी करुछन्ती जहांकर केबे केही निंदा करि नाहन्ती। बाबा कहउछन्ती मु राजयोग सिखाउछि विष्णुंकर दुई रूप एही लक्ष्मी नारायण अटन्ती। छोट वयसरे एमाने राधा कृष्ण थिले ये परस्पर भाई भौणी नथिले अलगा अलगा राजा मानकर संतान थिले से महाराज कुमार ये महाराज कुमारी जहां को स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण कहा जाउची। ए सब कथा कौनसी मनुष्य जानि नाहंती कल्प पूर्वरु ए सब कथा जहार बुद्धि रे थिबो तांकर ही बुद्धि रे आसीबो। एही लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदि समस्तंकर मंदिर अछि विष्णुंकर मध्य मंदिर रहिछि जहाकु नर नारायणंकर मंदिर कहिथांति। पुनी लक्ष्मी नारायणंकर मध्य अलगा अलगा मंदिर रहिछि। ब्रह्मांकर मध्य मंदिर अछि ब्रह्मा देवताए नमः पुनी कहुछन्ति शिव परमात्माए नमः। तेबे यहाँ तो अलगा होइगला ना देवता मानकु कण केबे भगवान बोली कहा जीव कि। तेनु बाबा बुझाउछन्ति प्रथमे जहांक द्वारा उद्घाटन कराइबार अछि तांको बुझाइबाकु हेउ। विश्वर शांति स्थापन अर्थे भगवान मूलद्वार स्थापन करि सारिछन्ति। विश्वरे लक्ष्मी नारायणकर राज्यरे थिला ना शांति एमाने सत्ययुगर मालिक थिले ना। तेबे मनुष्यकु नररो नारायण नारीरो लक्ष्मी करिबा पई एहा गर्ली यूनिवर्सिटी अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटे। विश्वविद्यालय नाम त बहुत रखिछन्ति वास्तवरे ताहा कोनोसी विश्वर विद्यालय नुहे। सारा विश्व तो यूनिवर्स होइगला ना सारा विश्वरे अविनाशी पिता एकमात्र विश्वविद्यालय स्थापन करुछन्ति। तुमे माने जानिछ विश्व को पवित्र करिबा पई एहा एकमात्र विश्वविद्यालय अटे जहाँ बाबा स्थापन करुछन्ति। आमे सारा विश्वर आत्मा को शांति धाम सुख धाम को नहीं जाऊछु तेनु एहाको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाउछि। ईश्वर आसी सारा विश्व को मुक्ति जीवन मुक्तिर वर्षा देउछन्ति। केउठी बाबांकर कथा केउठी पुणि एमाने विश्वविद्यालय बोली कहि देउछन्ति। यूनिवर्स अर्थात सारा विश्व को परिवर्तन करिबा एहा त बाबांकर ही काम अटे। आमको ही नाम रखिबा को अनुमति देउनाहन्ति गवर्नमेंट निजे ही नाम रखिछन्ति। एकथा तो तुमको बुझाइबा को हेबो से माने तो प्रथमे बुझिबे नाही। कुह आमर नाम हेला ब्रह्मा कुमार कुमारी एहांकर नाम ब्रह्मा सेतेबेले रखागला जेतेबेले बापा आसी एहांको निजर रथ रूपे व्यवहार कले। प्रजापिता नाम तो विख्यात अटे ना से आसिले केउठारु तांका पितांक नाम कण। ब्रह्माको देवता रूपरे देखाउछन्ती ना देवता मानकर पिता तो निश्चिंत परमात्मा ही होइथिबे। से होउछन्ती रचयिता ब्रह्माको तांकर प्रथम रचना बोली कहाजिबो। तांक पिता हेले शिव बाबा से कहउछन्ती मु एहांक शरीर रे प्रवेश करी एहांकर परिचय तुमको देउछि। तेनु पिलामानको बुझाइबाको हेबो जे एहा हेला ईश्वरीय म्यूजियम। बाबा कहउछन्ती मते डाकुछ हे पतित पावन आस आसी आमको पतितरु पावन कराओ। तेनु हे पिलामाने हे आत्मा माने तुमे निजर पितांको मने पका तेबे पतितरु पावन होइजिबो। मनमना भक्त गीतारे ही अक्षर अटे भगवान एकमात्र ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। श्रीकृष्ण तो पतित पावन हो पारे ना से पतित दुनिया को आसी पारे ना पतित दुनिया को केवल पतित पावन बाबा ही आसवे। बाबा कहते एवं मत मन पकाओ तेरे तुम पाप भस्म होते सहज कथा भगवान उवाच अक्षर निश्चित कहवाक पड़ब। परमपिता परमात्मा कहते काम विकार महाशत्रु अटे।
आगरु निर्विकारी दुनिया थिला, एबे दुनिया विकारी होई गलानी। एठारे दुख ही दुख रही, निर्विकारी हेले पुणी सुख ही सुख हेब। तेणु एही कथा समस्तंको बुझाइबाकु हेब जे भगवान उवास काम महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करिबा द्वारा तुमे जगच्छित हेब। तेणु एकमात्र बाबांको मने पका, आमे मध्य ताको ही मने पकाउछु। जेपरी कौनसी कॉलेज स्थापना कले तार उद्घाटन कराई थांती ना, एहा मध्य एक कॉलेज अटे। एठारे अनेक सेवा केन्द्र रहिछि। सेंटर रे शिक्षक नियुक्त अछन्ति। शिक्षक को मध्य निश्चित भाव रे ख्याल रखिबा को पड़िबो। बाबा नुआ नुआ सेवा केन्द्र रे भल भल ब्राह्मणी मानकु रखि थांति। एहा द्वारा सेवाने जल्दी जल्दी आत्मा मानकु निजर समान करी पुनि अन्य सेवा केन्द्र को सेवा करिबा पई जिबे। देखु छन्ति किए किए ठीक भाव रे मुरली पड़ी सुनाई पारिबे, बुझाई पारिबे, तेबे तांकु कहिबे जे एबे तुमे एठारे रही क्लास कराओ। एही भली ट्रायल करी तांकु दायित्व दे अन्य स्थान को सेवा केन्द्र स्थापन करिबा पई जिबा उचित। ब्राह्मणी मानकर काम हैला गोटे सेवा केन्द्र को सशक्त करे पुणी जाए आ गोटे सेवा केन्द्र स्थापन करिबा। गोटे गोटे टीचर 10-20 सेंटर स्थापन करिबा दरकार, बहुत सेवा करिबा दरकार। दुकान अर्थात सेवा केन्द्र खोली निज समान करी कहा को दायित्व दे अन्य स्थान को सेवा निमित्त चली जीवा उचित। मनरे आसीबा दरकार कहा को निज समान करी तांको तयारी करी पुणी अन्य सेवा केन्द्र स्थापन करिबा पई जेबे। किंतु एभरी के ही क्वचित सचोट होइथांती। महान आत्मा से मानको कोहाजिबो जे माने सारा विश्वर सेवा करिथांती। गोटी सेवा केन्द्र स्थापन करी निज समान करी पुणी आउ गोटी स्थान रे सेवा करिबा पई जाइथांती। गोटी स्थान रे रही जिबा उचित नुहे। अच्छा जदि कहा को बुझाई पारुना तेबे अन्य सेवा कर। एथिरे देह अभिमान आसीबा उचित नुहे। मु त बड़ घर आसीछि, ए काम किपरि करिबि, मते कष्ट हेब। साधारण सेवा कले मध्य कष्ट अनुभव करंती। एहा को देह अभिमान कहा जाय थाए। टिके भी बुझु नहंती जे अन्य मानकर सेवा करिबा दरकार। सेमाने बाबा को पत्र लिखिबे जे बाबा अमुक आत्मा अमुक ज्ञान बुझाई आमर जीवन परिवर्तन करि देले। सेवार प्रमाण मिलिबा दरकार। समस्ते जणे जणे शिक्षक हेबा उचित। पुणी नीचे लिखिबे जे बाबा मो पछरे अनेक संभाळिला वाला अछन्ति। मो बहुतंकु निज समान करी गढ़ीछि, तेणु मो अन्य सेवा केन्द्र खोलिबि। एही भली पिला मानको फूल कहा जिवो। जदि सेवा न करिबे तेबे फूल किपरि हेबे? फूलर मध्य बगीचा अछि ना। तेबे उद्घाटन करिबा पई आसिबा अतिथिंकु मध्य बुझाइबा दरकार आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु, जे माने कि शूद्ररु ब्राह्मण ही देवता हेउछु। बाबा ही ब्राह्मण कुल एवं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुलर स्थापना करुछन्ति। वर्तमान समय रे त समस्ते शूद्र वर्णर अटन्ति। सत्ययुगरे देवता वर्णर थिले पुणि क्षत्रिय वैश्य वर्णर हेले। बाबा जानिछन्ति केते पॉइंट्स पिला माने भूली जाउछन्ति। प्रथमे प्रथमे ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान। ब्रह्मा केउठारु आसिले? एही ब्रह्मा बसिछन्ति ना। तेणु समस्तंकु भल भावरे बुझाइबा दरकार ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहार? ब्राह्मण मानकर। पुणी तांकु शिक्षा दे देवता करुछन्ति। आमे बापांक पाखरे पाठ पढ़ुछु। सेमाने त अर्जुनंक प्रति भगवान उपास लेखि देछन्ति। तेबे अर्जुन किए थिले एकथा कहा को जणा नाही। तुमे माने जानिछ आमे ब्रह्माकर संतान ब्राह्मण अटो। जदि के कहचंति मु त शिव बाबांकर संतान, ब्रह्मांक सहित मोर कौनसी संपर्क नाही, तेबे से देवता किपरि होई पारिबे? ब्रह्मांक माध्यम रे ही हेबे ना? शिव बाबा तुमको किपरि कहा द्वारा कहचंति मते मने पका। ब्रह्मा द्वारा कहचंति ना? तुमे प्रजापिता ब्रह्माकर संतान अटो ना, सेथिपाई निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहुछ। आमे ब्रह्मांकर संतान अटो, तेणु निश्चित ब्रह्मा मने पड़िबे। शिव बाबा ई ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी पाठ पढ़ाउछन्ति। ब्रह्मा बाबा मछिरे अछन्ति। तुमे ब्राह्मण हेबा बिना देवता किपरि होई पारिबो? मु जेउ रथरे आसिछि तांको मते जानिबा दरकार ना, सेथिपाई ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। जदि ब्रह्मांकु बाबा बोली न कहिबा
तेबे आमे तांकर संतान किपरि हेलु। जदि तुमे निजकु ब्राह्मण बोली भावुना तेबे एहार अर्थ तुमे शूद्र अट। शूद्ररु देवता हेबा बहुत मुश्किल। तुमे ब्राह्मण होई शिव बाबांकु याद करिबा बिना देवता किपरि होई पारिब एथिरे द्वंद्वरे पड़िबार किछि कथा नाही। तेणु उद्घाटक को मध्य बुझाइबा को हेबो जे एहा बाबांक द्वारा उद्घाटन होई सारिछि। आमे आपण मानकु मध्य कहुछु जे केवल बाबांकु मने पका तेबे पाप कटिजिव। एही बाबा ही पतित पावन अटंती। तुमे माने पवित्र होई देवता होइजिव। पिला माने बहुत सेवा करि परिबे। कुह आमे तुमको बाबांकर संदेश देउछु। एबे कर बा न कर तुमर इच्छा। आमे तुमको संदेश दे जाउछु। आउ कौनसी उपाय पवित्र होई पारिबो नाही। जेबे फुर्सत मिलुछि सेवा कर। समय तो बहुत मिलुछि। अच्छा मीठा मीठा सिकिलथे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पिला मानंकु आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर। नुआ नुआ सेवा केन्द्र वृद्धि करिबा पाई आत्मा मानंकु निज समान करिबार सेवा करिबाकु हेबो। नुआ नुआ सेवा केन्द्र खोलिबाकु हेबो। गोटी जगार पसी रहिबार नाही। दुई नंबर दैवी फुलर बगीचा तयारी करिबाकु हेबो। प्रत्येक फूल भली होई अन्य मानंकु निज समान फूल करिबाकु हेबो। कौनसी प्रकार सेवारे देह अभिमान आसीबा उचित नुहे। बरदान सर्व पदार्थ गुड़िकर आसक्ति ठारु मुक्त अनासक्त प्रकृति जीत हुआ। जदि कौनसी पदार्थ तुमर कर्मेन्द्र गुड़ी को विचलित करुछि अर्थात ता प्रति आसक्ति भाव उत्पन्न होउछि ताहेले तुमे नियारा स्वतंत्र होई पारिबो नाही। तेबे इच्छा गुड़ी कही आसक्तिर रूप अटे। कई कई कहती इच्छा तो नहीं किंतु मते भल लगे। तेबे एहा मध्य सूक्ष्म आसक्ति ही अटे। एहा को गहनता पूर्वक चेकिंग कर जे एही पदार्थटी अर्थात अल्पकाल सुख प्राप्त करथिबा एही वस्तुटी मते आकर्षित करूनाही। तो एही सब पदार्थ गुड़िक प्रकृतिर साधन अटे। जेतेबेले एगुड़िक ठारु नियारा होइछिव सेतेबेले प्रकृति जित होइछिव। स्लोगान मोर मोर झामेला को छाड़ी जेतेबेले बेहद स्थिति रे स्थित होइछिव सेतेबेले कहा जीव विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।